नमस्ते मित्रों, पहले ये वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि भारत के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति और दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले, जिनके पास धन संपत्ति और भौतिक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, वो भी दुखी है। महर्षि कपिल कहते हैं कि अथ त्रिविध दुख है, अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। यानी कि संसार में तीन प्रकार के दुख हैं, इन तीन दुखों से छूटने का नाम है मोक्ष। मोक्ष परमपिता परमात्मा की एक ऐसी फल व्यवस्था है जो सबको प्राप्त करनी चाहिए, और हम आज धन संपत्ति की अंधी दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं कि किसी का घर फोड़ रहे हैं, किसी का अधर्म कर रहे हैं, किसी का नाश कर रहे हैं, हम कुकर्म कर रहे हैं, अन्याय अनैतिकता वेद विरुद्ध कर्म करके धन संपत्ति कमा करके हम सोचते हैं हम 100% सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। जिन्होंने पूरी भारत में सबसे ज़्यादा धन संपत्ति कमा करके पहले नंबर पे आ गए, वो भी दुखी है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि उनका चेहरा लाल पीला पानी पानी हो गया, वो शर्म से तार तार हो गए। इसे ही तो कहते हैं दुख। वो बाहर की मुस्कुराहटे हैं, आप उनको मत देखिए। इस वीडियो को देख करके आप थोड़ा विचार कीजिए। जिन्होंने इतने रुपए कमाए वो भी सुखी नहीं है, तो क्या हम इन रुपयों की दौड़ में, भाग दौड़ में, अंधी दौड़ कर रहे हैं तो क्या हम 100% सुखी हो जाएंगे? हम ये नहीं कहते हैं पैसा कमाना बुरी बात है, कमाना चाहिए, पर धर्म को साथ लेकर के। धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि इतना धन संपत्ति बेईमान चोरी डाका गुंडा गर्दी बलात्कार कुकर्म करके हम 100% पैसा कमा करके सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो पहले नंबर पे है वही सुखी नहीं है, तो हम क्या हो जाएंगे? इस वीडियो में बहुत सार भरा है, अगर आप खोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ऋषियों की तरफ हमें रोड लौटना चाहिए और हमें वेद शास्त्रों की तरफ चलना चाहिए, ताकि हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करें और अपने त्रिविध दुखों को दूर करने का प्रयास करें। त्रिविध दुखों को दूर करने का नाम ही मोक्ष है। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।